विचार बनता है यह बात स्पष्ट करने की कृपा। शास्त्र अध्ययन यदि आत्मज्ञान के लिए या भगवत भक्ति के लिए किया जाता है, तो लोग परमात्मा के साक्षात्कार में आलंबन है, और यदि वो लोकेशना से दारेशना से प्रत्यक्षणा से किया जाता है, लोकेशना माने लोक में हमारा जस करे प्रतिष्ठा हो लोक प्रलोक में, और दारेशना पुत्रेशना तो एक है, विवाह करने के लिए भी अध्ययन होता है, पहले अध्ययन कर लेंगे फिर पता करेंगे काम पुरुषार्थ, और विपेक्षणा खूब अध्ययन कर लेंगे तो विश्व में हम सर्वोन्नत स्थान प्राप्त करेंगे और धन संपदा की प्राप्ति होगी। इस दृष्टि से जो शास्त्र का अध्ययन है वो तो परमात्मा की प्राप्ति में स्थूल आलंबन है, क्योंकि आप जो जानते हैं उसी के लिए वो सहारा देगा, आप तो वहां पहुंचा देगा। तो भारतीय अथवा वैदिक संस्कृति की जो पद्धति थी वो तो ब्राह्मण न निष्कारणम सदंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च। सदंग वेद का ध्येय व्याकरण निरुक्त ज्योतिष कल्प आदि के साथ, संपूर्ण वेदों का ध्येय निष्कारण अपना कर्तव्य समझ के ही करना चाहिए, उससे अंतकरण होते हैं, परमात्मा के बारे में जिज्ञासा होती है, परमात्मा का ज्ञान होता है, और यदि सकाम भाव से अध्ययन करेंगे तो वो तो कल्प वृक्ष है, आपको संसार भी करेंगे। परमात्मा के लिए जहां शास्त्र का अध्ययन होता है वहां उपनिषदों में जो शरद कुमार और नारद की आख्यायिका है, नारद जी ने सभी शास्त्रों का नाम प्राय दे दिया, ऋग्वेदम भगवान भूमि यजुर्वेदम सामवेदम अथर्वांग, और सब शास्त्रों के अध्ययन का वर्णन करके फिर उन्होंने कहा सोहम भगवत शोचान शोकस्य परम पारम तारय भगवान। इतने शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद शोक से ग्रस्त हूं, मुझे आप शोक से पार उतारिए, ये नारद जी का प्रश्न है सनत कुमार के ऊपर। तो बहुत शास्त्रों का अध्ययन जो है वो परमात्मा की प्राप्ति का आलंबन है। ऐसे महात्मा देखने में आए हैं जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। अभी आप लोगों के समय में रमण महर्षि रहे हैं, आनंदमयी मां रहे हैं, परमहंस रामकृष्ण देव रहे हैं, हमारी दृष्टि में तो बहुत ऐसे महात्मा रहे हैं जिनको आप नहीं जानते, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन। तो महात्मा होने के लिए तो शास्त्रों का सार, यदि ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ है तो गायत्री है, और गायत्री का सार प्रणव। उपनिषद में एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम एतदालंबनम ज्ञात्वा जो जपिष्यति तस्य तत्। ओंकार ये परम आलंबन है, श्रेष्ठ आलंबन है,
ओम इति आत्मानं युञ्जीतः, ओम इति आत्मानं उपासितः। नानोध्याया बहुन शब्दान वाचो विकलापनम प्रीता। बहुत शब्दों का अध्ययन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितने शब्द जीव से बोले जाएंगे वे जीव की शक्ति को, वाक शक्ति को क्षीण करेंगे और मन को विकीर्ण करेंगे, विकीर्ण करेंगे। इसलिए अकार उकार मकार में जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं को समेट करके उसके द्वारा तुरीय का जो खुद है प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र बहुत है और उनके अध्ययन में विघ्न बहुत है। अपने पास समय थोड़ा है, स्वस्थ कालो बहुत, और ऋषियों के बड़े बड़े मत हैं, इसलिए यदि मतभेद के चक्कर में कोई पड़ गया कि गौतम कराल ठीक है कि कपिल पतंजलि ठीक है कि जैमिनी व्यास ठीक है, तो और इनके जो अवान्तर मतभेद है, शाक्त है, शैव है, गणपत है, कश्मीरी शैव है, तो उनका करता है। इसलिए शास्त्रों को समेट करके जो सारभूत है, जब सारभूतम तदुपासित अभ्याम, जो संपूर्ण शास्त्रों का सार है उसकी उपासना करना चाहिए। वैसे काशी में एक महात्मा थे दयालु पुरे जी, उनको शास्त्र समाधि रखते थे, चारों ओर ग्रंथ रखते बीच में बैठ जाते थे और उनको शास्त्रों में क्या लिखा है इसकी स्मरणा हो जाती थी। कई महात्मा मैंने देखे कि उन्होंने देवताओं की उपासना की थी और मैं शास्त्र की स्मरणा होती थी, पृष्ठ बता देते थे, अमुक ग्रंथ के अमुक पृष्ठ की अमुक पंक्ति में ये बात। तो एक हुआ शास्त्र का आलंबन, आलंबन भी अनेकता से एकता की ओर जाने वाला होना चाहिए, और दूसरी हुई निसंकल्पता, कोई न शास्त्र न व्यवहार, प्रमाण प्रमेय के व्यवहार को छोड़ करके नेति नेति की वाक्य न शेषितम जत परम पदम, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, नेति नेति के द्वारा निषेध करके अपने स्वरूप बैठ जाओ। निरस्त सर्व संकल्प या शिलावद अवस्थिति जागरण निद्रा विनिर्मुक्ता सा स्वरूप स्थिति परा, कोई भी संकल्प अपने मन में न उठ रहा हो, शिला के समान स्थिति हो और न जागृत हो न निद्रा हो, उसको स्वरूप स्थिति बोलते हैं। स्थिति है बोध, इसको भी नहीं बोलते हैं। जगताम वर्जयित्वैताम शिलाया हृदय अमनस्कम महाबाहो तन्मयो भव सर्वदा। जड़ता को छोड़ दो, देह और विश्व की जो जड़ता है, जो भी दृश्य है प्रकाश है, उसका परित्याग करके जैसे कोई पत्थर हो संकल्प विकल्प से शून्य इस प्रकार विराजमान हो जाओ, तो ऐसे रहना चाहिए इस प्रकार शास्त्रों में वर्णन। स्वर्गादावेव नोत्पन्नम दृश्यम नास्तेव सर्वथा, कभी उत्पत्ति हुई ही नहीं, दृश्य सर्वथा है ही नहीं, इदं जगत अहं चेति, जो ये जगत प्रतीत हो रहा है वो आत्मा ही है। आत्मै वेदं सर्वं, ब्रह्मै वेदं सर्वं, स्वे वेदं सर्वं, अहमे वेदं सर्वं, इस प्रकार उपनिषदों में आत्मचिंतन का निरूपण आता है।
तो ये तो है बोध के पहले, ज्ञान होने के पहले संपूर्ण दृश्य का निषेध करके और अपने स्वरूप में भाव से शास्त्रानुसार बैठ जाना, निसंकल्प हो जाना। और जब बोध हो जाता है तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति चलना फिरना सोना ये सब का सब आत्मा ही है, आत्मा से अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये बोध हो जाने के कारण आत्मदृष्टि की प्राप्ति हो जाती है और ये आत्मदृष्टि नित्य प्राप्त होने पर भी अज्ञान से अप्राप्त मालूम पड़ती है। अज्ञान की निवृत्ति होने से ये स्वतः सिद्ध होती है। तो आप देखो, जब प्रमाण प्रमेय का जितना व्यवहार जागृत अवस्था में हो रहा है, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति अनुपलब्धि, कोई कोई कुछ कम कुछ ज्यादा मानते हैं, ये प्रमाण प्रमेय का जो व्यवहार है कि हम इन इन प्रमाणों से इन इन वस्तुओं को जानते हैं, जैसे आंख से रूप को जानते हैं, अनुमान से धुएं को देखकर आग को जानते हैं, गाय को देखकर गवय को जानते हैं, ये जो प्रमाण की रीति है ये स्वप्न में जितनी भी होती है उसमें प्रमाण और प्रमेय दोनों मिथ्या हो जाते हैं। सुषुप्ति दशा में प्रमाण और प्रमेय का सारा व्यवहार अज्ञान में लीन हो जाता है। समाधि दशा में प्रमाण और प्रमेय का व्यवहार निरुद्ध हो जाता है और उससे हमारा कोई संबंध नहीं है, हम साक्षात दृष्टा हैं, ये अनुभव होता है। तो ये जो प्रमाण प्रमेय का व्यवहार जागृत अवस्था में चलता है, इसको मिथ्या बताने के लिए स्वप्न है, अज्ञान बताने के लिए सुषुप्ति है और इससे हमारा कोई संबंध नहीं है, असंगता बताने के लिए समाधि है, और आत्मा का ब्रह्म रूप में जो बोध है वो अद्वितीयता बताने के लिए है कि ये प्रमाण प्रमेय तो है ही नहीं, केवल आत्मस्वरूप ही आत्मस्वरूप है। विडंबना तो ये है कि हम लोग अपने जीवन की केवल जागृत अवस्था को ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं और महत्व देते हैं। तो शास्त्र का आलंबन लेकर के यदि अज्ञान को निवृत्त करना है तो बहुत बढ़िया है, और निसंकल्प होकर बैठना है तो संसार का चिंतन मिटाना है, और यदि आत्मदृष्टि हो गई तब तो सोवत बैठत पड़े उताने, कहे कबीर हम वही ठिकाने, जहां हो वही हो। इसलिए शास्त्र का आलंबन शब्द का आलंबन है, और योगी लोग तो इसको विक्षेप मानते हैं, और भक्त लोग यदि भगवत वाचक शब्द है तो उसको राग द्वेष का निवर्तक मानते हैं, और धर्म धर्मात्मा लोग जो हैं वो शास्त्र को विधि निषेध का प्रतिपादक मानते हैं, और वेदांती लोग जो हैं वो तत्वम पदार्थ के शोधन में वाक्यार्थ के विचार में शास्त्र को उपयोगी मानते हैं, और अंततो गत्वा बिना शास्त्र के भी यदि कोई संकल्प विकल्प शून्य हो जाए या कदाचित आत्मज्ञान हो जाए तो आत्मदृष्टि में रहता है। इसलिए इसका विचार बहुत सुंदर है, और जहां तक हो सके अपने स्वरूप में स्थिति का ही प्रयास करना चाहिए। तो किम स्मितादित्यमुन्नयति केच तस्याभिचश्चरा कश्चैनमस्तं नयति कस्मिंश्च प्रतिष्ठति पद्मादित्यमुन्नयति देवा तस्याभिचश्चरा धर्मश्चास्तां च नयति सत्येच प्रतिष्ठति। इसमें जो कर्म उसका अस्त करता है ये बात
यक्ष ने युधिष्ठिर से बहुत से प्रश्न किए थे। पहले तो भाई लोग गए थे, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, उन लोगों के इन प्रश्नों का उत्तर नहीं आया, वो मर गए। जानते हैं युधिष्ठिर स्वयं जब गए तो यक्ष ने उनसे प्रश्न किए और उनके प्रश्नों का उत्तर युधिष्ठिर ने। अब इसमें प्रश्न तो बहुत है, परंतु ये धर्म शब्द का अर्थ जानना चाहते हैं। वेदों में एक मंत्र है, धर्मो विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा लोके धर्मिष्ठम प्रजा उपसर्पन्ति धर्मेण पापम अपनुदत् धर्मे सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्मात् धर्मं परमं वदन्ति। ये मंत्र है। मंत्र का अर्थ है कि ये जो सारी दुनिया दिख रही है, विश्वस्य जगत, जो ये चराचर सृष्टि दिख रही है, इसकी स्थिति कहाँ है, प्रतिष्ठा कहाँ है, किसकी वजह से ये टिका हुआ है, तो बोले धर्म के कारण। धर्मो विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा लोके धर्मिष्ठम प्रजा उपसर्पन्ति। जब कोई संसार में धर्मात्मा होता है तो सारी प्रजा उसका विश्वास करती है और उसके अनुसार चलती है, उसकी सेवा करती है। धर्मानुष्ठान करने से पाप का नाश हो जाता है और धर्म में सबकी प्रतिष्ठा है, इसलिए परम तत्व धर्म ही है। तस्मात् धर्मम् परमं वदन्ति। धर्म शब्द की दो व्युत्पत्ति सीधे सीधे व्याकरण से प्राप्त होती है। धरति इति धर्मः, रुद्रे धारण पोषणयो, जो हमारा धारण करे और पोषण करे उसका नाम धर्म है। धर्म का दूसरा शब्द ईश्वर ही है, उसके सिवाय दूसरा कोई धर्म जैसा और धर्म शब्द का अर्थ बोधक दूसरा शब्द नहीं है। आजकल मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, ऐसे जो बोलते हैं हिंदू धर्म, ये तो धर्म के किसी आचार्य के द्वारा चलाए हुए, किसी किताब में बताए हुए, किसी परंपरा से आए हुए जो कार्यकलाप है उनके लिए धर्म शब्द का प्रयोग होता है। हमारे शास्त्रों में धर्म का उपपद कोई नहीं होता। यतो हृदय निश्रेय सिद्धि सधर्मा, धर्म के आगे न आर्य धर्म है, न अनार्य धर्म है, न हिंदू धर्म है, न वैदिक धर्म है। धर्म एक स्वतंत्र वस्तु है, अर्थात तो धर्म जिज्ञासा, न उसके साथ आर्य लगता है, न अनार्य, न हिंदू, न मुसलमान, ये सब तो छोटे छोटे धर्म हैं और हिंदू तो खास करके मजहब नहीं है। जैसे मुसलमान मजहब है, मोहम्मद साहब से चला कुरान, कुरान शरीफ के आधार पर, और ईसाई धर्म है, ईसा के बाद चला बाइबल के आधार पर, वैसे ये जो हमारा धर्म है ये किसी के द्वारा किसी काल में और किसी आदमी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक के द्वारा चलाया हुआ नहीं है। धर्म तो साक्षात परमेश्वर का ही नाम है और वो सर्वोपरि है। तो धरत इति धर्म, जो हमारी रक्षा करता है, धारण पोषण करता है, उस परमेश्वर का ही नाम धर्म है। इसी से हम लोग जिसको धर्म मानते हैं, आप थोड़ा ध्यान देना, मैं जान बुझ के इस बात करा रहा हूं, चोटी रखने वाला भी धार्मिक
रखने वाला गृहस्थ चोटी रखेगा, सन्यासी चोटी नहीं रखेगा। ब्राह्मण यज्ञों को भी पहनेगा, शूद्र पहनेगा, परंतु दोनों एक है, दोनों मनुष्य है। कोई मूर्ति पूजा करेगा, कोई नहीं करेगा, कोई साकार मानेगा, कोई निराकार मानेगा, कोई गाय को मानेगा, कोई नहीं मानेगा। किसी के यहां धार्मिक रीति से विवाह होगा तो किसी के यहां पसंद की रीति से हो जाएगा। कोई 70-75 प्रकार के विवाह भारत में होते हैं। लड़ाई का दो जने लड़ते हैं, जो जीतता है उससे होता है, लड़की जिसको आमंत्रित करती है उससे होता है, ब्राह्म विवाह होता है, आर्ष विवाह होता है। तो ये जो हमारे धर्म का विस्तार है वो कोई मजहब नहीं है, ये साक्षात ईश्वर रूप है। इसलिए धर्म ही ब्रह्मा का रूप धारण करके हमारे मन में आता है और कहे मनो नाम मनुष्य से विरिंच्याकार धारिणा, हमारा मन ही ब्रह्मा बनता है और वही सूर्य का उन्नयन करता है। और जितने देवता हैं, इंद्रियां हैं, मनोवृत्तियां हैं, आंख देवता है, कान देवता है, त्वचा देवता है, नाक देवता है, जिह्वा देवता है, हाथ में इंद्र देवता है, पांव में विष्णु देवता है, ये देवता जो हैं, ये सब के सब प्रकाश स्वरूप जो सूर्य है उसके आसपास विचरण करते हैं। और नारायण ये धर्म ही इस व्यावहारिक प्रकाश का, सूर्य का, सृष्टि स्थिति प्रलय का संचालक है। इसलिए सत्य और धर्म, धर्म सत्यम वदन्तम धर्मम वदति इति आहो, जो सत्य बोलता है उसको कहते हैं ये धर्म की बात कह रहा है। तो सत्य क्या है? सत्य तो वो है जिसमें काल की दाल नहीं गलती, सत्य तो वो है जिसमें देश विदेश की कोई कारस्थानी नहीं चलती है, सत्य तो वो है जिसमें मैं तू यह वह का भेद नहीं होता। इसलिए सूर्य, सूर्य कहां प्रतिष्ठित होता है? सत्य में, सत्य ही उसका निवास स्थान है और उसके उदय और विलय का हेतु धर्माधर्म है। धर्म ही जो है वो सूर्य को सूर्य बनाए रखता है। इसको आजान देवता बोलते हैं, है ना? अद्य अद्य संभृत पृथिव्या रसाच विश्वकर्मण समवर्तताग्रे तस्य त्वष्टा विदधत रूपमेति तस्य देवत्वम् आजानम् अग्रे। ये पंचभूतों का सार है, ये प्रकृति का सार है, ये ईश्वर का रूप है। सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुतश्च, इसके उदय अस्त की क्रिया कैसे होती है? ये धर्म के द्वारा ही संचालित होती है। धर्म इतनी इतनी महान वस्तु है, इसी के अनुसार इसका उदय और अस्त होता है और सत्य में परब्रह्म परमात्मा में इसकी प्रतिष्ठा है। ओ कर्म सिद्धांत।